हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मट। फ्रेंड्स, क्या आपको भी फोन पे की तरफ से फ्लैट 250 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिला हुआ है फ्रॉम द कोटक 811 से, आप कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू से? अगर आपको मिला है तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बता दूं कि जो कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू से जो आपको अकाउंट खोलना है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। फ्रेंड्स, आपको किसी कोई पैसा भी यहाँ पर नहीं रखना होता है, एंड अगर आप खोलते हो तो यहाँ से जो आपको 250 रुपीज़ तक का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हो ऑन द अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर बहुत सारे वेबसाइट जो है, ऑनलाइन वेबसाइट लाइक उबर, ओला, इस सब जगहों पे भी जो है आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं 250 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में इसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कैसे आप इसे क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हिडन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है 250 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर। ये गिफ्ट वाउचर रहेगा वूहू, ठीक है, विद जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑन कोटक 811, कोटक महिंद्रा बैंक। जीरो बैलेंस दैट मीन्स कि आपको ना मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, किसी टाइप का कोई आपको हिडन चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। बट आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन है, दैट मीन्स कुछ टास्क है जो आपको करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले जो है आपको ना एक यूनिक नंबर से आपको एक कोटक महिंद्रा बैंक में एक अकाउंट खोलना होगा, सेविंग अकाउंट। अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। सिंपली जो फ्रेंड्स आपको ना, जो आप देख सकते हैं, ओपन नाउ, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करके ना आपको अपना डिटेल्स वगैरह देना होता है, एंड वहाँ से जो है अगर आप कहीं अटक भी जाते हो ना तो कोटक महिंद्रा के थ्रू से जो है आपको कॉल आ जाएगा, एंड वो जो है आपका नेक्स्ट प्रोसेस बाकी जो भी होते हैं वो फुलफिल करवा देते हैं, एंड इससे जो है आपका कंप्लीट एक बैंक अकाउंट खुल जाता है। बट इसके बाद भी जो है कुछ कंडीशन है, आइए उसके लिए हम ऑफर डिटेल्स पर देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमें अगेन देखने को मिला कि 250 रुपीज़ का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा फ्रॉम द कोटक 811, ओनली वैलिड फॉर द न्यू यूजर्स, ओपन कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ तो ओवरऑल आपको कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, जब आप रिड्यू मोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ना एक्चुअल देखने को मिलता है पॉइंट्स। सो एज यू कैन सी मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स स्टार्टिंग बताए थे वो 3 पॉइंट्स है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यूजर्स विल गेट वूहू वाउचर वर्थ 250 व्हेन दे ओपन कोटक सेविंग अकाउंट एंड स्पेंट मिनिमम 1000 यूजिंग देयर न्यू कोटक डेबिट कार्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे ना कोटक महिंद्रा बैंक में, तो आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, एंड हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद जो है आपके पास एक फिजिकल डेबिट कार्ड भी आ जाएगा। अगर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है तो उससे आपको ना मिनिमम 1000 रुपीज़ का जो है स्पेंडिंग करना होगा, मीन्स कि खर्च करना होगा। किस टाइप का खर्च होना है, क्या क्या हो सकते हैं उसमें बता दें, लाइक आप रिचार्ज करते हैं, या फिर आप अगर शॉपिंग करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, किसी टाइप का कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पे करते हैं किसी और को, पेमेंट करते हैं, जो पैसा कि आपको वापस नहीं मिलने वाला है, तो वो कहलाएगा स्पेंडिंग में, ठीक है, आप कहीं खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर आप इस पैसे को, दैट मीन्स कि मिनिमम जो 1000 का स्पेंडिंग है, अगर आप ये सेंड करोगे, या फिर अगर आप UPI के थ्रू से ट्रांसफ़र करोगे, या फिर कहीं डिपॉजिट करोगे, या फिर किसी फ्रेंड को दोगे, तो फ्रेंड्स ये एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एलिजिबल नहीं होगा। आपको जो मिनिमम 1000 रुपीज़ है स्पेंड करना होगा। लेकिन और एक क्राइटेरिया है, दैट मीन्स कि आपको विद इन 5 डेज ये ट्रांजेक्शन आपको करना होगा, दैट मीन्स कि 1000 जो है स्पेंड करना होगा। लेट गेस, अगर आपने 1 तारीख को कंप्लीटली एक अकाउंट खोल लिया अपने कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है, एंड उसके बाद जो है विद इन 5 तारीख के अंदर जो है आपको 1000 रुपीज़ तक स्पेंड करना होगा थ्रू द कोटक महिंद्रा डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू से। कहाँ कहाँ? जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर आप खर्च करते हो, शॉपिंग वगैरह हो, या फिर कहीं भी शॉपिंग वगैरह कहीं भी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, द स्पेंड्स नीड टू बी कम्प्लीट विद इन 5 डेज, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 डेज में जो कम्प्लीट होगा। क्या आपको यहाँ पर मिलेगा? द वूहू वाउचर विल बी ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अच्छा, आप जब एक अकाउंट खोलोगे ना कोटक महिंद्रा में, तो वहाँ पर आप नो डाउट एक अपना जीमेल आईडी दोगे, एंड उसी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर ना आपको विद इन 30 डेज मिल जाएगा वो कूपन कोड ऑफ 250 रुपीज़। कब मिलेगा? जब जैसे ही आप ये 1000 रुपीज़ का जो स्पेंडिंग है उसे आप कंप्लीट कर लोगे ना, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया, जैसे आप स्पेंडिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके ठीक 30 डेज के अंदर जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वूहू का 250 रुपीज़ का जो है वाउचर मिलेगा। एंड उसके बाद उस वाउचर से आप क्या कर सकते हो, जैसा कि आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपको, यू कैन रिडीम वूहू वाउचर अगेंस्ट एनी ऑफ योर फेवरेट ब्रांड्स वाउचर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उबर, नाइका एंड ओवर 100+ अदर पॉपुलर ब्रांड्स की जो वेबसाइट है या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स है उस पर जो है इजीली इसे क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखें तो स्पेंड इज डिफाइंड एज परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस थ्रू एनी ऑनलाइन वेबसाइट और मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग योर न्यू कोटक डेबिट कार्ड। ये सारे ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होंगे, दैट मीन्स कि आपको स्पेंडिंग के रिकॉर्ड में स्पेंडिंग के हिसाब से माना जाएगा। एंड द ट्रांजेक्शन लाइक UPI, फंड ट्रांसफर, ATM विड्रोवल, डिपॉजिट और वॉलेट, ये सब जो है
नहीं काउंट होगा, दैट मीन्स नॉट डज नॉट कंस्टिट्यूट एज ए स्पेंड, ये सब स्पेंडिंग में जो है काउंट नहीं होगा। सो आपको इस पॉइंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने जो है अब तक यहाँ पर डिटेल समझ लिया है कि आखिर आपको करना क्या होगा इस 250 रुपीस को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आप दैट मीन्स कि कौन से स्टेप है कि आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शो कोड पर क्लिक करना होगा, आपको यहाँ पर कूपन कोड देखने को मिल गया 811 फोन पे 811 फोन पे, सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना। उसके बाद ना ओपन नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप ओपन नाउ पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आप रिडायरेक्ट हो जाओगे क्रोम एप्लीकेशन में। एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ओपन ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर जो हम लोग एक कंप्लीट एक डीमेट अकाउंट सॉरी डीमेट अकाउंट नहीं सेविंग अकाउंट हम लोग यहाँ पर भी खोलने वाले कोटक 811 के थ्रू से। टॉप फीचर्स अगर देखें तो आपको जीरो बैलेंस, किसी टाइप कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आपको देना होगा फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये तीनों डिटेल्स देने के बाद आपको सिंपली चाहिए दोनों डॉट पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद ओपन नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर जब आप ओपन नाउ पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स आपके पास एक और एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करना होगा, लाइक आपका क्या फाइनेंस है क्या है नहीं, बहुत सारी डिटेल्स जो भी आपको फिल करना होगा। एंड उसी बीच ना फ्रेंड्स आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल एंड आधार कार्ड का डिटेल भी देना होगा। एंड ध्यान रखिएगा आपके पैन कार्ड एंड आपके आधार कार्ड में ना आपका फोन नंबर लिंक होना चाहिए, जिसके थ्रू से क्या होगा ना कि EKYC हो पाएगा, ऑनलाइन EKYC होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन जो भी है EKYC हो जाएगा। तो उससे जल्द से जल्द जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा। एंड ध्यान रखिएगा कि जब आप ये सारे प्रोसेस फॉलो कर लेंगे ना तो मिनिमम 24 आवर तो फ्रेंड्स लगेगा ही, ठीक है, अकाउंट आपका ओपन कंप्लीटली ओपन होने में। एंड फिर से आपको जो है वो कंप्लीटली एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, उसके लिए भी थोड़ा सा जो टाइम लगेगा। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको मिनिमम 24 आवर जो है वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपके पास एक ब्रांड न्यू कोटक का जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट आपके पास आ जाएगा एंड विथ ए वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिसमें आपको किसी टाइप का कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसका फायदा यही है कि आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है, ठीक है। एंड इसके बाद आप इसे क्लेम कर पाओगे। एंड जैसे आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लोगे ना तो उसके ठीक 30 दिनों के अंदर जो है आपको ये 250 रुपीस का गिफ्ट वाउचर जो है आपको मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पे। सो अगर आप जो भी जीमेल आईडी देंगे ध्यान रखिएगा कि उसका जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता हो, जीमेल आईडी पता हो, ताकि अगर आपको वहां से दैट मीन्स कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपको वाउचर भेजता है दैट मीन्स अगर आपको आता है तो आप उसे चेक कर सको और आप उसे क्लेम कर सको। अब आपको अगर मिलता है वो वाउचर 250 रुपीस का तो उसे कैसे क्लेम करना है, उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। आपको वो वाउचर मिलेगा एंड उसके बाद आपको ब्राउन वाउचर वहीं से जो फ्रेंड्स आपको क्लेम करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके ऊपर जो डिटेल में एक वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स आप कोटक महिंद्रा का 250 रुपीस गिफ्ट वाउचर क्लेम कर पाओगे। नो डाउट कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बट अगर आप 250 रुपीस चाहते हैं तो शायद आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मुझे नहीं लगता है कि वर्थ इट होगा, क्योंकि देखिए इस 250 रुपीस के लिए आप 1000 रुपीस आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है, देखिए आप 1000 रुपीस जो है स्पेंड करोगे, 1000 रुपीस आपने स्पेंड किया और उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको ये जो 250 रुपये मिलेगा इसे भी आपको खर्च करना होगा। आप इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे नहीं, आप इसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। कुछ फायदा है किसी टाइप का, कुछ फायदा हमें नहीं देखने को मिल रहा है ऑल ओवर, मतलब एट द एंड में बोला जाए तो आपका टोटल सारा का सारा पैसा जो है आप यहाँ पर खर्च ही कर रहे हैं। फायदा क्या है, कुछ नहीं है, आप कुछ कमा नहीं रहे हो। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं डीमैट अकाउंट के, ये तो है सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट के एक है 5 पैसा का एंड एक है अपस्टॉक का। अपस्टॉक में फ्रेंड्स अप टू 300 या फिर 700 तक जो पर रेफरल पर आपको विनिंग का वाउचर नहीं हो डायरेक्ट फंड होता है, उसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो अपस्टॉक में अगर आप अकाउंट खोल के अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हो तो वहां से आप इजीली मोर देन 400-300 जो इजीली आप कमा सकते हो। एंड अगर आप 5 पैसा में डीमैट अकाउंट खोलते हो तो पहले रेफर पर जो है आपको इजीली 500 मिलता है। एंड इसके अलावा ना चांसेस है कि आपको भी जो फ्रेंड्स मिनिमम 100 या तो फिर 200 रुपीस का एक पॉइंट्स मिल सकता है, पॉइंट मिलेगा जिसके थ्रू से जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे एंड स्टॉक मार्केट में आप एंट्री कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर 1000 रुपीज़ स्पेंड करना चाहते हैं अकाउंट वगैरह खोल करके, सो उससे बेस्ट होगा कि मैंने जो आपको दो उपाय बताए वहाँ से आप ये काम कीजिए। आपको किसी टाइप का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है, बट आपको जो उल्टा पैसा मिल रहा है जस्ट आपको अपने फ्रेंड्स को रेफर करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा में एक बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फायदेमंद भी है। अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये के लिए क्लेम करना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उससे बेस्ट होगा जो मैंने आपको अभी बताया, ओपन ए डीमैट अकाउंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गेट अर्निंग्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।